बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें नए सेट पे। नाज़िम, मेरे आज के पहले मेहमान एक मारूफ राइटर और डायरेक्टर हैं, जो आजकल मीडिया पर अपने बयानात की वजह से मुतनाज़ा भी हो चुके हैं। तशरीफ लाते हैं और लेजेंड राइटर मिस्टर खलीलुर्रहमान कमर। क्या कहेंगे आप, हमारे पास आज तीसरी मर्तबा आए हैं और मुझे पता है आज आप इस मूड में तो नहीं है कि हम आपके साथ थोड़ा सा आपको छेड़ें, आपके साथ हंसी मजाक करें, मगर हमारा मकसद ये ज़रूर है कि हम उस खलीलुर्रहमान को मर को वापस लेकर आएं, उस माहौल में, उस मूड में, जिस मूड में आप होते हैं। हाँ, वो खलीलुर्रहमान वापस आए जो उन औरतों को समझाने के लिए उनके पीछे दौड़ गया। क्या बात है, अब वहाँ से वापस कैसे लाए आप? लतीफ़ा सुना था किसी ज़माने में, एक बहरी जहाज़ के अरसे पर लोग नज़ारा कर रहे थे समंदर के मद्दो जज़र का। हाँ। तो यकायक एक औरत के हाथ से बच्चा निकला और वो समंदर में गिर गया। हाहाकार शुरू हो गई, औरत को गश पड़ने लग गए, चीखें मारने लग गई, तो अचानक एक सिख बीच में कूदा। अच्छा। और 5 मिनट पर वो हाँपता कांपता वो बच्चा निकाल के ले आया। तो सब उसको बड़ी दाद दे रहे हैं, वाह सरदार जी, कमाल हो गया, क्या आपने मेहरबानी कर दी। कहता, मेहरबानी को लानत भेजो, मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। मैं इसको सिर्फ लिख कर चाहता था कि मेरा मैसेज पहुंच जाए, और वो पहुंच रहा था। मेरे यहाँ की करोड़ा खातीन जिनके वजह से मैं प्राइड लेता हूं, जिसकी वजह से मेरे मुल्क के लोग ठस्से से चलते हैं, जिनके बावकार, बावफार, बाकिरदार होने की वजह से हम मुमताज़ हैं दुनिया में के दूसरे माशरों से, माशाल्लाह, बिल्कुल। उन तक वो मैसेज पहुँच रहा था, लेकिन चंद छुपी हुई ऐसी झोंके हैं जो बिलों से निकल आई हैं और वो मेरे माशरे को ताराज करने की कोशिश करने लगी हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं वो पहला आदमी हूँ जो निकला हूँ, और मेरे साथ बहुत सारी खातीन और मर्द जब निकलेंगे तो मैं उनको सलाम करके खलीलुर्रहमान को मैं आए, आए, क्या बात है। आप घबराए तो नहीं है? मैं ये दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कि आप बोले। चल तू ही लोगों को बता दे कि तेरा भाई घबराने वाला आदमी है। शेर जब मैदान में उतरता है तो सबको पता क्या होता है, तशरीफ रखेंगे। नाज़िम, मेरी दूसरी मेहमान इस शोबिज़ इंडस्ट्री का एक नया इजाफा है, जिन्होंने आते ही इस शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शायकीन को अपना दीवाना बना लिया। तशरीफ लाती है वही प्रिटी अरी चौधरी। हो जाता है कभी कभी, बेइज्जती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। होगा सोफा उसकी मर्जी। कलील साहब, क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है, कहाँ है, बताइए जरा। जो हो रहा है ये सब फिजा, पाकिस्तान में भी पता चला है कि एक दूसरी टाइप का कोरोना वायरस है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी ऐसे किसी मामले में कूदने की। फेमिनिज्म अगर औरतों के राइट की बात थी तो मैं तो झंडा उठाए सबसे पहली सफ में खड़ा हूँ, लेकिन फेमिनिज्म अगर बेहयाई का नाम है तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान का कोई बाशौर और बागैरत मर्द ऐसी शोरश को पनपने नहीं देगा। मैदान में आया हूँ तो मुझे पता चला है, मैं बाइल्म होने लगा हूँ, एजुकेट हो रहा हूँ कि कैसे फंड्स रेज हो रहे हैं, कौन से बैंक में आ रहे हैं, किस नाम से आ रहे हैं और किन किन को दिए जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ भूख नाच रही है, जहाँ गुर्बत आपके दरवाजों पर खड़ी आपको ताने दे रही है, वहाँ आप ऐसी एक शोरश पपा कर देंगी, आप समाजी बंटवारे की बात करेंगी, आप औरत को मर्द से अलग कर देंगी, उस आयत के खिलाफ बात करेंगी कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है, तो जब उसने जोड़ों में पैदा किया तो हम एक दूसरे के बगैर तो जी नहीं सकते। कौन सा औरत मार, मुझे बताइए तो सही, जरा पूछिए तो सही मेरे पाकिस्तान की खातीन से, क्या ये औरत क्या मेरे मुल्क की लड़कियों को, उसकी इन हयादार, बावफा, बाकिरदार लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है? आप इसको डिफाइन कर रहे हैं एज अ वूमेन और मुझे कह रहे हैं मैंने किसी औरत के बारे में बात की? मैं औरतों का बसद दिल से एहतराम करने वाला आदमी हूँ, एक्सेप्ट फॉर मारवी सरमद। मुझे बताइए आज तक मेरी किसी औरत के साथ नोक झोंक हुई हो? मैंने प्रोग्राम के शुरू होने पर अर्ज की और दस्त बदस्त अर्ज की,
कि देखिए आप दोनों जब बोले मैंने आपके बात में आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलिएगा मत। ये आपने अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी बिल्कुल बिफोर। और इस इन मौसूफा ने जब सेनेटर फैज साहब बोले तब भी इंटरप्ट किया और वो मिन्नत करते रहे, ये बोली तो हम दोनों में से किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। ऐसी है बिल्कुल। और मैं चाहता था कि एक अच्छा मियारी प्रोग्राम हो जाए जिसमें हम बात करें, अपने अपने मौकफ दे और पब्लिक सुनकर फैसला कर ले। ऐसे ही है। लेकिन जो ही बहस होती इसी तरह एक बंदा अपनी मौकफ अपना बयान करेगा, मिनट एक या डेढ़ मिनट बोला कुछ बीच में बोली जी, मना किया गया, फिर उन्होंने बदतमीजी की। तो जब बदतमीजी होती है तो मैं फिर राइटर नहीं रहता। आपको शट अप क्यों बोला था एकदम से प्रोग्राम मैंने में? उसको डांटा कि आप बीच में मत बोल, पहले मैंने कहा कि मत बोलिए बीच में। हाँ। फिर वो बोली, उसने शी रेज्ड हर वॉइस इवन मोर। अच्छा। तो मैंने फिर शाउट किया वापस उसी की आवाज में, तो शी सेड मी शट अप। मैं हैरान होता हूँ, मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से और अपने सियासी रहनुमाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते इन औरतों के बायोडाटा निकलवाए जाएं, पता कराया जाए इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके अजाइम क्या है, ये एक दीमक की तरह और जोंक की तरह मेरे सोशल सेटअप को खा जाने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे जी आप बताइए कैसी हैं, क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। तो कहाँ मसरूफ है जरा बताइए। बस आजकल एक नए प्रोजेक्ट के लिए मसरूफियात हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं दो प्रोजेक्ट्स तो अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ फिजा, और अब जो तीसरा है इंशाल्लाह वो जो है आउट ऑफ कंट्री में है, यूके में, और वो फिरोज खान के साथ है। तो ये फिरोज खान साहब के साथ आपको प्रोजेक्ट कैसे मिला जरा देखने वालों को बताइए ना, तो बड़ी न्यूज है। अच्छा, ये ऑफर ऐसी आई कि जो मैंने अंधकार टेलीफिल्म की थी वो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल्स पे चली है, तो वहाँ से मुझे ऑफर आई है, तो उसके बाद फिर मैंने इसको पढ़ा, स्क्रिप्ट वगैरह मुझे पता चला, तो फिर उसके थ्रू मैंने फिर इसको एक्सेप्ट किया। क्या बात है। हाँ जी, फिरोज खान का और मेरा सर बड़ा मिलता है। हाँ बाबा, सिर्फ सिर ही मिलता है, तेरे नसीब नहीं मिलते होते ना। और अरीज का जूता और भाभी का जूता भी एक जैसा है, वो भी फिरोज खान ने मुझे कास्ट किया था। कहा फिरोज खान, कहा आप, उसके बच्चे का नाम है फरदीन खान और आपके बच्चे का नाम है फकीर खान। कह रही हूँ बच्चे का नाम फरदीन खान, तेदा नाम शौकीन खान। हाँ, चित्रन दा शौकीन। अच्छा, तो डिटेल बताइए आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? हार्ड कैचिंग कह लें या आप मतलब काफी उसमें है। जल्दी से कैरेक्टर कर लो, उसमें पाकिस्तानी लड़के का रोल मैं कर रहा हूँ। हाँ, तेरा किसी नलके दा रोल हो सकता है, लड़के दा नहीं। आप किसी लड़के का नहीं, किसी बहुत हल्के बंदे का रोल कर सकते हैं। बल्कि जिस तरह की तेरी उम्र है और तू किसी खड़के बंदे का रोल कर। अकली साहब एक बात बोलना चाहिए थी, जिन रिश्तों के लिए ये बात कर रही हैं, जिनके खिलाफ ये बात कर रही हैं, तो इनके घर में भी तो ये निगाहें नहीं देखती, क्या वो भी फिर यही करते? मैं बस यही इनको कहूंगा, एक बड़ा अच्छा किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ऐसे सब लोगों को जो मैंने इनको कहा कि हलफ दीजिए कि आज के बाद हम कसम खाती हैं कि हम अपने मर्दों से कहेंगी कि तुम हलाल का जो भी कमा कर लाओगे हम उनमें गुजारा करेंगे। माशाल्लाह क्या बात है। मैं सबसे बड़ी बात, मैं इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट की हैसियत से आपको बताता हूँ, इन अ फ्यू इयर्स आपकी इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। करप्शन से जब मर्द बाज आएगा, याद रखिए हराम का पैसा हराम कामों में इस्तेमाल होता है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये चीजें बजाय समझने के आप हमें ऐसे घटिया नारों की तरफ लगा रही हैं। बिल्कुल। मैं चीख चीख कर कहता हूँ इसके बाद वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। एक चैनल ने कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया है, सुभान अल्लाह। मतलब 6 साल की मेरे दो दोस्त, बड़े अजीज मेरे मोहसिन दोस्त अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी साहब की ये गुनागू और सालहा साल की कोशिशों के बाद मैं इस बात पर माना कि आप उनके लिए मैं उनके लिए लिख दूं। अच्छा, और वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने हमने कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड अनाउंस वो कर रहे हैं। और भाई मैं इस कॉज के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूं, आप खाली पैसों की बात कर रहे हैं। फिया पॉजिटिव दे नाल ना नेगेटिव भी होता है, ठीक है, ते काबल दे नाल बेवकूफ भी होता है। ऐसे ही होता है। आ नारे औरतें भी बना लेंदी, हुण तुहाडी चाची देखो रोजाना मैनू कहंदी है तेरा सिर मेरी जुत्ती। ले मैं रोजाना खा के आना। बल्कि उनको बोलना ये चाहिए था मेरी जुटी मेरी मर्जी जिवें मारू। देखो कहने की लोड़ है सी,
اگر جو بچارے دا حال ہویا مزید کرا یہ نعرہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں یہ تو ہوتا ہے بیچارے کے ساتھ ویلکم بیک یو واچنگ تاروں سے کرے باتیں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے خلیل رومان قمر صاحب اور ساسد علی چودھری اچھا آپ کے نزدیک یہ عورت کے حقوق کی بحالی کیا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ذرا اس کو ڈیفائن کیجیے گا کیا ہے ابھی یہ وہ ملک ہے جہاں مردوں کے پاس حقوق نہیں ہے یہاں تو صرف ایلیٹ کلاس کے پاس حقوق ہے غریب آدمی سالہ سال جیل میں پڑا رہتا ہے اور ایلیٹ مجرم ہو تو علاج کرانے کے لیے لندن چلا جاتا ہے اور واپس بھی نہیں آتا کیا باتیں کر رہی ہیں آپ تو ہمیں تو جوائنٹلی لڑنا تھا بھائی ہمیں یہ سماجی بٹوارا کر کے تو ہم نہیں چل سکیں گے ابھی پہلے یہ سارے جو جنرلی جو حقوق ہیں عورت مرد کے جو ہمارے آئین نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پہلے ان کو تو مل کے اچیو کر لیں پھر پوچھ لیں گے مرد کو کہ کون سا حق تم نے سلب کیا ہوا ہے بالکل صحیح ہے تاڈی چاچی میرے کو اپنی کمیز روزانہ استری کرا دی مینوں حقوق نہیں ملن دے اچھا میرا سوال میری مرضی ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچے کہ میں نے بہت زیادہ کر دیا یا اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا میں کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں گیا کہ ایسا کوئی ناگہانی واقعہ ہو پہلے سینیٹر فیض احمد صاحب کی باری تھی وہ بولنے لگے اور انتہائی سافٹ بولنے والے آدمی ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے وہ شرعی بات کر رہے تھے بیچ میں یہ کودی اور وہ اور یہ منٹ ڈیڑھ منٹ لگاتار ان کو انٹرپٹ کرتی رہی میں ان کے ٹریک ریکارڈ کو جانتا تھا انہوں نے ایسی ایسی بے عزتیاں کی ہوئی ہیں احمد علی صاحب کی علی محمد صاحب کی حمد اللہ صاحب کی اور بھی کچھ نام ہیں جو مجھے اب بھول رہے ہیں اس میں اتنی بدتمیزی کہ میں حیران تھا کہ کیا یہ مرد انہوں نے جواب کیوں نہیں دیے اس لیے میں تھوڑا کانشیس تھا کیونکہ میں غصے والا آدمی ہوں رسپونڈ کرتا ہوں میں نقد کا آدمی ہوں ادھار نہیں چھوڑتا سٹارٹ یہاں سے لیا کہ میں آپ دونوں کو بڑے احترام سے سلام پیش کرتا ہوں اور خوش ہوں کہ آپ دونوں کی موجودگی میں ہم ایک اچھا شو کر جائیں گے اور لوگوں کو ہم سے کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملے گا بے شک آپ سے ایک دست بدستہ درخواست ہے کہ آپ دونوں جب بولے تو میں بیچ میں نہیں بولا تو آپ کی مہربانی ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے اب اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اخلاق کی کتاب ہے تو بھیا وہ مجھے پڑھا دیجئے ہاں اگر آپ اس کے بعد بدتمیزی کریں گی تو حضور پھر آئیے جینڈر ایکویلٹی پر یہ ڈھکوسلا کیا ہے کہ بات کرتی ہیں ہم جینڈر ایکویلٹی کی تو پھر اچانک سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ عورت کیوں بن جاتی اچھا خلیل صاحب اس کے تاثرات آپ کے گھر تک بھی پہنچے ہوں گے تو آپ کے گھر میں کیا میں آج چار تین دن سے یہی ایک سوٹ پہن کے نکل رہا ہوں کپڑے پہن کے نکل رہا ہوں میری بیوی نے مجھے کہا ہے اگر تم اس جنگ میں ہار کے آئے گا تو میں تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دوں بڑی بات بڑی بات ہے اس نے کہا خلیل الرحمان قمر بھوک آ جائے ننگ آ جائے ہم تیرے ساتھ سہیں گے اب پیچھے مت مڑنا کیا بات ہے اینڈ سو از مائی ڈاٹر آج میری دونوں بہنوں کے فون آیا مجھے صبح اور وہ رو رہی تھی انہوں نے کہا آپ کو اللہ نے چن لیا ہے پیچھے نہ ہٹنا ایری جی آپ بتائیے شادی کے پلانز کیا ہیں لائف پارٹنر مل گیا کوئی شہزادہ شہزادہ نہیں بیٹھا لیاکو نال اچھا مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں لگ رہا ہے تمہارے ساتھ کوئی شہزادہ بیٹھا لگ رہا ہے نا کہ فرعون کی لاش کو لگا مسالہ ہی ہے پر کسی نے ایک چاردہ لا دیتا اچھا بلڈنگ والا مسالہ نہیں لگا جڑا گھوڑے نو مسالہ نہیں دیندے او لاتا او بھی نہیں لگا اینو مچھلی مسالہ لگا جڑا فرائی تو پہلے لائی دا ہن نو یار سپورٹ سٹی کین تہاڈے دوواں دا سمجھ تے گئے ہو گئے ہم آپ کے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کیسے ہیں کہاں ہیں کدھر ہیں تلاش جاری ہے ابھی وہ کہیں بھی نہیں ہے کیوں کہیں نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور ایسا ابھی ایسا کچھ ہے بھی نہیں ایسے کیسے ہو سکتی ہے پرپوزلز تو آتے ہوں گے نا وہ تو آتے ہیں آبویسلی بہت سارے آتے ہیں لیکن مجھے بھی کوئی پسند نہیں آ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار لکھاری ہونا چاہیے نہیں نہیں لکھاری نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی کھلاڑی ہونا چاہیے پھر کھلاڑی ہونا چاہیے کرکٹ کھیلتا ہو یا جذبات سے کھیلتا ہو نہیں نہیں کھلاڑی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جذبات سے کھیلتا آپ کسی کھلاڑی سے شادی کرنا چاہتی ہیں یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے اے باندر قلعہ بہت اچھا کھیلتا جی اور چوئی چلنگ کا تو چیمپئن ہے یہ
ਸੁਖ ਗੋਲ ਗਰਮ ਕਾ ਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੇਂਦਾਂ ਮਾਰਨ। ਮਾਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਕੈਨ ਗੋਬ ਖੇਡਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੂੰ, ਖੌਫ ਖੇਲਣਾ ਖੌਫ। ਅਰੇ ਖੌਫ ਕੈਸੇ ਖੇਲਤੇ? ਰਾਤ ਕੋ ਜਬ ਲਾਈਟ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਹਮਨੇ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕੈਸੀ ਖੌਫ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ ਮੈਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਤਾਈਏ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਬ ਕਰੇਂਗੀ ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਲੜਕਾ ਡੇਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। 10 ਏਕੜ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਡੇਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਗੁੱਡ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸੀਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਸੀਖ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਲੋ ਔਰ ਸੀਖ ਕਾ ਫਰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਫੌਰਨ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਫੌਰਨ। ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮਿਲਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਸਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਅੱਲਾ ਪਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਜਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਟਰੋ ਗੱਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਕਾਫੀ ਆਪਸੇ ਖਫਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਉਨਮੇ 99% ਖਵਾਤੀਨ ਵੋ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਯਾ ਮੈਨੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਬੋਲਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਮਾਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਨੇਮਸ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਕੋ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾ, ਉਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਭਲੇ ਵੋ ਮੁਝੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਰੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ, ਉਸਕੋ ਬੇਚਾਰੀ ਕੋ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਤੋ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਾ, ਆਪਕੇ ਬੋਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਤੋ ਕੀ, ਮੁਝਸੇ ਬਾਤ ਤੋ ਕੀ? ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਵਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਸੀ ਰੋਜ਼ ਵੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿਦ ਹਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਕਾਮ ਦੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਫਤ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਵੀ ਔਰ ਟਵੀਟ ਪੇ ਕੀਆ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਆਈ ਸਵੇਅਰ, ਆਈ ਸਵੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਮਿਰ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ, ਆਮਿਰ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੋਚੇਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣੇਂਗੇ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਅਫਸੋਸ ਹੋਗਾ ਉਨਕੋ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਪਰ। ਔਰ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਟਕੇ ਕਾ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਿੰਪਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਈਏ ਹਮਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਟਾੜੀ ਮਰੀਜ਼, ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ। ਹਾਏ ਡਾਕਟਰਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੈਨੂੰ 102 ਬੁਖਾਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ 104 ਚੜੇ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जैसे शुगर लेवल डाउन हो रहा है। मुझे पता चल रहा है, ऐसे डॉक्टर को भेजेगी ना, तेरा शुगर लेवल डाउन नहीं होएगा, मतलब तेरी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है। हाँ अंधेरा आन दिया तो डॉक्टर नु ते नाना वेख। हाय ताई ना, आपने क्या खाया? मैंने 2 हाफ बॉयल एग खाए थे और स्ट्रॉबेरी शेक पिया था। स्ट्रॉबेरी और ओए गलत है, डॉक्टर नु स्ट्रॉबेरी लिखना ही नहीं आंदा। जी डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे, मेरा एनर्जी लेवल जो है ना लो रहा है। डॉक्टर इनू आधा किलो लोक पा दे शाहपुर च, आधा किलो आप खा लई। और डॉक्टर साडिया बीमारी भी अल्लाह तैनू लावे। रोजाना कोई ना कोई बंदा बीमारी ना मरदा, डॉक्टर तू क्यों जीना। चाइना च है ना कोरोना वायरस, इथे है ड्रोना वायरस। नहीं नहीं मेरे मतलब है डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी कि कोई अच्छी सी मेडिसिन तो लिख के दे मुझे। और तू दवाई लेन आया का डॉक्टर नु लेन आया डक्का कटाउन वास्ते? मैं दवाई लिख रहा हूं, मुझे ना लिखा नहीं जा रहा है मुझे। जी और तू दवाई लिख ना लिख, असि तेरे जुत्ती ते लिखे आ। ओफो भाई इसको मेडिसिन दे के मैं आपको भी देता हूँ, घबराए ना आप, हौसले से बैठे क्यों नहीं बैठते आप? आप तो डॉक्टर दानिश का टाइम जाया कर रहे हैं आप। ये तू डॉक्टर दानिश है तो मैं फिर शहवार। मैंने भी कुछ बनाओ कि मैं वैश दी अम्मी बन जा। और असी तो कुछ ना कुछ बनने, तू बांदर ही बन जा। हाय हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय। मेरे स्वीपर का लड़का मेरे सामने लड़की का दिल लिए जाए रे। हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय। और तुम अपनी बकवास बंद करो तो मैं अपनी शुरू करूँ ना। डॉक्टर मेरा दिल से दर्द होने अलग है, तेरिया पुड़पड़िया पाट जाना। आपका दिल चेंज होगा मैं प्लास्टिक कर लगाऊंगा। मिट्टी अला चावा होंगे, मेरी मेडिसिन लिखो डॉक्टर। इतनी बीमारी नहीं तुम लोगों को जितनी तुम लोगों को मौत आ रही है। आराम से बैठो, पहले मेरी मेडिसिन लिखे डॉक्टर साहब। आप आग लगा शॉपर होता है जैसे, आप मेडिसिन लिखे ना। मेडिसिन में कब की लिख देनी थी, मुझे लिखना नहीं आ रहा। आप ऐसा करें मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं बनया। और सूरज भरन वाली पोटाश ते गंधक हुंदी है, और मेरी दवाई लिख दे। और तुम ही कोई बीमारी दस दे ओए रूड़ी दिया समोसे आ। डॉक्टर साहब आप इनको छोड़े, इन्हें बीमारियां लगियां ने, तानू जंग ही लगना है। मेरी दवाई लिखे, कावां दा घोंसला होंदा। मेरे को दवाई नहीं लिखी जा रही, कावां दा घोंसला किवें लिखांगा मैं? अच्छा बात दरअसल ये है कि अगर आपने इलाज करवाना है तो मुझे 2,000 रुपया दे। इलाज जिन्ना मर्जी करनी सानू हाथ ना लाई, वखी च दुलता वजा हुंदा। भी 2,000 दो हाँ। मैं आपका इलाज शुरू करूं। अच्छा जी हेलो डॉक्टर साहब जल्दी हेलो 2,000 मेरे लिए भी तू ही फड़ा दे कि 2,000 हेलो ये भी 2,000 आ गया मैं मर जाना इंशाल्लाह। आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? हाँ जी। पेपर चेक करवाएं? मेरे पेपर चेक करने हैं या गाड़ी के? आपके गाड़ी गड्डी देते कॉर्पोरेशन ने को लिखे ना ते पेपरा ते कुछ नहीं लिखा लिखना आंदा हुंदा ते मैं इन्हां नु दवाई ना लिख देंदा। 1.5 घंटे ते मेरी जान नु रोण दे। तो आप यहां पे डॉक्टर बने हुए हैं? अल्लाह दा शुक्र है मैं डॉक्टर हां। मैं जदों पैदा होया मैं गौर ने वेखे ते मेरी अम्मी कहंदी तू डॉक्टर है। आपकी MBBS की डिग्री कहां है? ओ तो नहीं है, मतलब है तू डॉक्टर ही नहीं है। चल बड़े घर वेलकम बैक यू वॉचिंग तारों से करें बातें। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है खलील रुमान कमर साहब और साथ साथ अरी चौधरी। खलील साहब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड है और इसका नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। आप एक बार खेल चुकी हैं सेगमेंट मेरे साथ। पहला सवाल आपसे है कि इनमें से कौन सी अदाकारा आपके लिखे गए स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं कर सकती?
पहला सोनिया हुसैन, कुबरा खान, सज्जल अली। ये तीनों इंसाफ कर सकती हैं। सोनिया के साथ काम नहीं किया अभी मैंने, तो उसको ज्यादा मार्जिन नहीं दूंगा। She would be able to speak my line. अच्छा। बाकी दोनों they are wonderful actors and even Sonia Hussain is a wonderful actress. तो चूंकि मेरा उसका अभी काम नहीं हुआ उसके साथ, तो it is not in my experience के how good she can speak. ठीक है। आज लगाए बजाए नहीं है, सिलाई कढ़ाई कर ला। भाई हमारे शो पे खलील रुमान कमर साहब ने कहा है कि सोनिया हुसैन, छोटी सी एक गलती हो गई शायद मैंने आपके लिए इस तरह की बात कह दी, आपके साथ मैंने काम नहीं किया है, आप बहुत कुछ बोल रही हैं, ट्वीट भी कर रही हैं, इंटरव्यूज भी दे रही हैं, चीज वाज अदरवाइज अ फ्रेंड, और बहुत सारी बातें भी आप इनके खिलाफ कर रही हैं। एहतराम करता था उसका, जबकि वो आपका एहतराम करते थे, खलील साहब ने कहा है। वो बेवकूफी कर गई वो, और मुझे कुछ कहना पड़ा, तो वो उनकी बहुत भयानक गलती थी। अरीज, इनमें से किस डायरेक्टर राइटर के साथ आप कभी काम नहीं करेंगी? ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, शोएब मंसूर, नदीम बेग, खलीलुर रहमान कमर साहब। खलीलुर रहमान कमर के साथ ऑब्वियसली मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ काम करूँ, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। वाओ, अच्छा मुझे लगता बच्ची डर भी गई है। नहीं, ये वाकई बहुत अच्छे राइटर हैं और मैं इनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अफसोस की बात है, शोएब मंसूर साहब इतना बड़ा नाम है आप हमारे मुल्क का, क्या डायरेक्टर हैं, और साथ साथ नदीम बेग तो छाए हुए हैं आजकल, उसके बावजूद कह रही है कि मैं दोनों के साथ काम नहीं करूँगी, अगर मुझे कोई फिल्म ऑफर की तो मैं साफ इनकार कर दूँगी, मैं सिर्फ खलील रहमान कमर साहब के साथ काम करना चाहती हूँ, दैट्स इट। दूसरा सवाल आपसे, इनमें से कौन सा अदाकार आपकी फिल्म में कभी हीरो नहीं बन सकता, नो मैटर व्हाट, शान, हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफा? पागल यार, एक होता है ना यार हीरो वाली कहानी। तीनों महान एक्टर्स हैं मेरे मुल्क के, और ये तस्वीर भी नहीं है कि जहाँ मुझे इन तीनों में से किसी के साथ काम करना हो। सपोज नो ऑप्शन आपको तीन एक डायरेक्टर ने दिए, और नो ड्रामे मेरे पास तुम हो में किस अदाकारा की जगह आप बेहतरीन एक्टिंग कर सकती थी, आयजा खान, सवेरा नदीम या फिर हीरा मानी? हीरा मानी वाला। अच्छा, वो आप बहुत अच्छा कर सकती थी। हाँ, क्या बात है, हीरा मानी देखें आपके खिलाफ बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर वो टीचर वाला कैरेक्टर मुझे ऑफर होता ना तो मैं बहुत अच्छा पोर्ट्रे करती, और ख़ास तौर पर किसी शादीशुदा बंदे में डोरे नहीं डालती उस कैरेक्टर में। देखिए फिजा, मेरी पार्टी फेयर एक्टिव हो गई है। पहले नेगेटिव हुई थी, हूँ एक्टिव हो गई। नेगेटिव नहीं, पहले डिफेक्टिव हुई थी। और मुझे ये ओ वेखिया नहीं मत कहा करो, एक बार तेनू वेखिया तो सारा दिन बुरा गुजरता है। और हुण तक कराची दे लीडरां ने भी सानू कह दिता है कि असी तुहाडे नाल आ। चलो कह दिता ते भी तंग ही होणगे, तेरे नाल रह के कदों कदी किसे दा भला होया। वो आप तो धक्के खाना, जिहड़ा तेरे नाल आएगा वो भी धक्के खाने उहने। वो तो बड़ा इत्थे कट्टे अंब खाण डे। ये कटे अंब नहीं खाने, तेरे तरह धक्के तो नहीं खान डेया। अलिस्मत मुबारकबाद नहीं दी, 6 इंच तरक्की हो गई, पहले थले पैंदी सी हुण उपर पैंदी आ। अरे डर के बैठी है वो, क्यों? कि अगर जुगनू खान ने तबले पे था मारी तो मुंह के बल गिर जाएगी। अज तो फिजा भी वेख साबणदानी च बैठी। वैसे फिजा तेनू एक कुर्सी का बड़ा फायदा है, ये तो बह के तू प्रोग्राम भी कर सकनी है, स्लाइड भी ले सकनी है। मम्मी हुण नवा नारा बना लिया है। ओ केड़ा बनाया है? मेरी बीमारी मेरी मर्जी। और तू अपना नारा ये रख, निरी बीमारी निरी मर्जी। बल्कि ये रख, मेरे प्लेटलेट्स मेरी मर्जी। बल्कि तू ये रख, ठीक नहीं होंगी मेरी मर्जी। और मम्मी नवा नारा बनाया। अच्छा जी, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। वाह, असी भी नवा नारा बनाया। केड़ा? तानू दोवां नू वोट नहीं देना, साडी साडी मर्जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।
मैंने भी एक गाना बनाया। क्या? मेरा गाना मेरी मर्जी। आ तुसी दोने भी नारा बना लो। केड़ा केड़ा। इस पोर्शन नु उठण नहीं देना, मेरी मर्जी। मैं भी नारा बनाया। क्या? मेरी कालक मेरी मर्जी। लियाकत जी तुसी ए नारा बनाओ, मैं कदी नहीं नहाऊंगा, ए मेरी मर्जी। ए नहाउण जांदा बेचारा टूटियां च पानी, इहनूं वेख के उत्ते चढ़ जांदा। आप भी नारा बना ले चाचा। कौन सा? मेरी कुट मेरी मर्जी। चाचा ते वेख वाजे ते हेलमेट पाया हुंदा। ओ चाचा वेखो हेलमेट ते वाजा पाया हुंदा। वाह वाह वाह। अगे उधर ते वेख बजरी वाला समोसा हुंदा। ओए इधर वेखो समोसे वाली बजरी हुंदी है। इधर भी वेख। हां जी अंगूठे ते मुछां लाईयां हुंदियां। इधर वेखो मुछां ते अंगूठा लाया। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਚਮਗਾਦੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਚਮਗਾਦੜ ਚ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਾਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੂਣੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚਾਚਾ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂਣੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਕੜੌੜੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ? ਕੌਣ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਬੌਲਰ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਲੋਕੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਾਚਾ ਜ਼ਰਾ ਕਲੈਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਲਓ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੈਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह ही होती हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी? ओवर टू यू, सुनाइए निर्मल, पहली खबर क्या है? मेरी शादी नहीं हुई, मदद की जाए। वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर मज़ाहिया शिकायत भी आने लगी। चाचा 15 ते फोन करके कहिंदा मैनूं 17 दा नंबर दे दे, ते आपणे नहीं दस 1122 ते फोन करके कहिंदा मैनूं लभ लो। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੂਵੇਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये बाबा 1122 पे फोन करके कहता है जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो, वो कहते हैं मरीज लेके जाना है, आगे कहता है नहीं फुप्पी की मेहंदी लेके जानी है। ये बाबा है ही अंजदा है, 117 ते फोन करके ते रेलवे वाले नु कहन दिया ए शालीमार किन्ने बजे जानी है जी, कहते 6 बजे, ए जी एक्सप्रेस किन्ने बजे जानी है, ए जी 7 बजे, वो कहते जी तुसी कराची जाना, कहते जी नहीं लैना पार करनी है। चाचा भी 1122 ते कॉल करके कहंदा है एसी वाली एम्बुलेंस मिल जाएगी, उन्होंने कहा क्यों लाश लेके जानी, कहंदा नहीं 1.5 को मन अंब लेके जाने ने। आ मैं क्या एसी वाली एम्बुलेंस होएगी, अंब ठंडे होणगे चुपदा जमांगा। नेक्स्ट न्यूज, कुछ तुलबा को नालायक भी होना चाहिए ताकि वो मेरी तरह गवर्नर बन सके। गवर्नर KPKK शाह फरमान का पेशावर के एक कॉलेज में तुलबा से खिताब। लो जी पहले असी इन्हां दी ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਨਲਾਇਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਕਿਤਨੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਵੋ ਜਿਹਨੇ ਚਾਚਾ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਿਆਜ਼ੀ ਮੇਂ ਫੇਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਲਗਾ ਦੇਤੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਸਪਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੋਤੀ ਯਾਰ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਓ ਉਸੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਿਹਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਗੇ ਬੜੀਏ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਏ, ਦਾਦਾ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਰੱਖਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਾਕ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਤੋ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ये जो हमारे पख्तून भाई है ना, इनके नाम घर वाले बड़ी आसानी से रख लेते हैं। समुंदर के करीब पैदा हुआ तो समुंदर खान, अखरोटों के मौसम में हो तो अखरोट खान, जंगल के पास पैदा हुआ तो जंगल खान। आपके नजदीक जो पैदा होगा उसका नाम तो हो जाएगा गंजे खान, और जो बंदा मंगल वाले दिन पैदा हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा? मंगल खान। अरे पहले मंगल खान होता था, अब होगा ट्यूजडे खान। मेरा नाम ही इंजी रखिया सी। ए स्वाद ए कोल पैदा है इस करके दा ना रखिया काले खान, जबकि इसका नाम होना चाहिए था मैले खान। फिजा कदी तू तुम्मा वेखे जी फक्की बनती है? हां देखिए वो चख लिए ना तो एहो जा मुंह बनता। नेक्स्ट न्यूज। चीनी शख्स के दिमाग में कछुए के 30 अंडे देखकर डॉक्टर भी हैरान। मैं भी कमाए चीनी का दिमाग इतना तेज क्यों चलता? अच्छा हुन पता लग गया उन्होंने दिमाग के कछुए दे अंडे होंगे। ऐ चाचे दा भी एक बारी दिमाग दा टेस्ट होया सी, फिर जो छिपकलियां दे अंडे निकले ते अग्गो टीठ नहीं होया। उन्होंने कहंदा मैं हर वक्त छिपकलियों के बारे में सोचता रहता हूं। ये बाबा इसके दिमाग का टेस्ट सुनो तो उसके दिमाग के अंदर ना डायनासोर के अंडे निकल रहे हैं जिसका असल दिमाग है। जी तो सोनी ना तेरे दिमाग का टेस्ट हो ना विचो टिड्डियां निकलनियां ना। और तेरे दिमाग का टेस्ट हो ना विचो चिक्कड़ दे कोफते निकलने ना।